इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। पाकिस्तान यहाँ से अपना 600 टैंक लेके चलाया, 6,000 के आसपास में फौज लेके चलाया। हमारे कितने जवान थे? 120। आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस आ जाओ, नहीं लड़ पाओ, 1,25,000 नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम लगा। अब जो बोले सो निहार। दर दर दर। तो देखिए, ये जो था ना पश्चिमी पाकिस्तान, इनका कहना था कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, 6-6 फीट के हैं, हिस्ट पुरुष हैं, गोरे हैं, इधर वाला बोलता था। और कहता ये बंगाली कैसा है सब, बांग्लादेश वाला, ये मतलब आपने बांग्लादेश उस समय बंगाली का होता था, बंगाली है, इनकी भाषा कैसी है, काले काले हैं, अजीब टाइप का बोला। ये कोई बात है भाई, कैसे भी रहे कोई, हम लोग साउथ इंडिया वाले को कहां कभी कुछ बोले। अरे हम लोग का कल्चर भी अलग अलग है, इवन कि हम लोग इडली डोसा आराम से खा रहे हैं, नहीं जाओ जा साउथ की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं, हम लोग कभी नहीं। वो चुट्टा अपने देश में कह रहा है कि बंगाली है, ये है, वो है, उनको लगा मार नहीं करवाई यहां से। चुनाव हुआ तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री का। उनको कहा गया कि आइए शपथ लीजिए, गए शपथ लेने के लिए, मुख्य राजधानी में ही नहीं जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया सब कि तू बंगाली को नहीं बनने देंगे। हद देखिए किसी देश में इतना अत्याचार होता है। अब बांग्लादेश वाला कहा सा कि चोट्टा कहीं का, जब तुम ना बनने देगा हम अलग देश रहेंगे यहां पर। अब बवाल हो गया वहां पे, इधर भारत सरकार चढ़ा दी कि एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना तुम्हारे पास बंदूक चाहिए बोलो, पूरा मौका मिल गया हम लोग को यहां पर, मुक्ति वाहिनी, हमें पाकिस्तानियों से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो मुक्ति वाहिनी। इतना होगा यहां से पाकिस्तान अपनी सेना भेजा, यहां से यहां पे सेना भेजा, और इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। ये चुट्टा सब कहा था कि इनकी नस्लों को सुधारने की जरूरत है। अरे ये अपने देश के नहीं हुए से दुनिया का क्या होंगे सब, यहां पर अपने देश की आर्मी इन लोग की। अब बांग्लादेश का लोग का खून खौल गया, कहा कि चुट्टा अब हम जिए ना जिए अलग बात है, लेकिन तुम्हारा जीने ना देंगे यहां पर। अब बांग्लादेश के लोग कहे कि हम मार डालेंगे इनको, मुक्ति वाहिनी बनाई गई। इधर इंदिरा गांधी बुलाई मानेकशॉ को, मानेकशॉ सैम हारमू जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ पूरा नाम था उनका, हमारे सेना प्रमुख थे, शॉर्टकट में बोला जाता है मानेकशॉ। उनको कहा गया हमला कीजिए, वो कहीं 1971 अप्रैल 1971 कहीं हमला कीजिए, कहा ना करेंगे हम, क्या बोल रहे हैं, कहा अप्रैल का महीना है, हमला करते करते 2 महीना बीत जाएगा, मई जून आ जाएगा बाढ़, आ यहाँ डूब जाएगा एरिया, इधर से लाएगी ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, आ इधर से गंगा लेके चलेगी, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा, आप ये बरसात बीतने दीजिए। तो कहें कि तब सितंबर अक्टूबर कहां, सितंबर अक्टूबर में पनिया बरसना कम होता, पनिया कहां निकला होता, ठंडी आने दीजिए, पनिया सूख जाने दीजिए। इंदिरा गांधी कहे जल्दी करो भैया, मार करना है यहां पे। इधर मुक्ति वाहिनी को हम लोग क्या किए, पूरा मनोबल बढ़ाए, और पाकिस्तान की सेना यहां अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी, यहां के लोग एकदम त्रस्त हो गए थे कि हमको कुछ भी हो जाए ना जिएंगे मंजूर है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को साथ नहीं रहेंगे। यहां पर इतना बुरा हाल किया था सभी सब पाकिस्तान वाला यहां जाके। अब भारतीय सेना दिसंबर आया और तैयार हुई मारने के लिए, कहा कि आप तो हम लोग को क्या करना है, धोना है। चारों ओर से आर्मी क्या कर ली, घेर ली, चारों ओर से आर्मी घेर ली, और नेवी नीचे से चारों ओर से घेर लिया, और ऊपर से चलाई एयरफोर्स, ऊपर से आ गई एयरफोर्स। अभी हम लोग हमला नहीं किए थे, हम लोग हमला नहीं किए थे, बट हम लोग पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए। पाकिस्तानी नौ से देखिए हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने रोक लगा दिया था कि भाई माहौल खराब है, हम तुम्हारा जहाज जाने नहीं देंगे, पैदल जाएंगे तो यहीं पर बिरयानी बन जाएगा इन लोग का पैदल जाएंगे लोग पाकिस्तान वाले यहाँ पे। नेवी से जा रहे थे, इनकी नौसेना को हमारी नेवी यहाँ रोक दी। अब पाकिस्तान को लग गया कि जा ये बंगाली सब गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया। अब उस पाकिस्तान ने सोचा कि इससे पहले भारत हमला करे हम इधर हमला कर देते हैं और इतना एरिया कब्जा कर लेंगे कि बाय द वे भारत कब्जा भी करे तो ऑन द टेबल हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारा लौटाते हैं, तुम हमारा लौटाओ यहाँ पर। पाकिस्तान इतना खतरनाक चाल चला। अब उसको उसने इंटेलिजेंस मिला, भारत यहाँ सुरक्षात्मक मूड में था, उसको सूचना मिली कि यहाँ एक जगह है लोंगे वाला, कौन जगह है लोंगे वाला, वहां महज 120 फौजी खड़े हैं। कितने फौजी? 120 फौजी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन 120 को मारने के लिए उसने, उनको पता चल गया कि इनके बैकअप के लिए एयरफोर्स जो है जोधपुर है, रात में एयरफोर्स उड़ नहीं सकती थी उस समय, उसे आज ना GPS आ गया है, चल जाइएगा जीपीएस पे, आज ना उड़ जाए, जॉर्जियो में जीपीएस होता है,
अरतिया में कौन चीज का जीपीएस, जब जीपीएस नहीं था तो रात में नहीं उड़ सकते थे लोग यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहां से अपना 600 टैंक लेके चलाया और लगभग 5000 से 6000 के आसपास में फौज लेके चलाया। अब पूरी फौज लेके इसमें घुस गया और पहले ही हमला बोल दिया पाकिस्तान। अब जब पहले हमला पाकिस्तान बोला तो जंग तो जायज हो गई। अब कौन कह सकता है, पहले हमला किसने किया? पाकिस्तान। अब जंग तो हमारी जायज हो गई। अब जंग नहीं लड़ेंगे तो बुजदिल कहलाएंगे। मार के गए हो तुम, पहले मारते तब ना हमको आप कह सकते थे कि हमने हमला किया, हम तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो करने वाले, हम अपने देश में सेना का मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब तो जंग एकदम जायज हो गई। अब भारत ने ठोक दिया इधर से जंग, मार धर 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 पाकिस्तान का उड़ाना, राज्यपाल का घर उड़ा दिया गवर्नर हाउस उड़ा दिया, यहाँ पे उड़ा दिया भारत सरकार। अब बता के उड़ाया था कि आपका घर उड़ा देंगे, हट जाइएगा। ये होती है हम लोग की इंसानियत, हमें आपसे झगड़ा नहीं है, मारने बता के मारे थे हम लोग, कल उड़ा देंगे आपका गवर्नर हाउस। अब बता के मार, गवर्नर खाली कर गया, आप मार दिए लोग यहाँ पे, अब चल जाइए, अब नहीं मारेंगे यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? इतना जवाब, हमें दुश्मनी नहीं उनसे, हमारी जमीन की जमीर की लड़ाई है यहाँ पे। तो पाकिस्तान इधर से क्या होने लगा, आ गया यहाँ पर, और ये एरिया में हमारे कितने जवान थे, 120, कितने जवान, 120 जवान थे। अब इन 120 जवान कभी लड़ नहीं पाएंगे, वहां पे 100-150 से ज्यादा टैंक थे सब, मतलब पूरी 600 की टैंक बटालियन थी, आगे फ्रंट पे कितनी थी 100, अब हजारों फौज, और रात में कैसे लड़ पाएंगे। तो मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे हट जाओ, क्या हो जाओ, पीछे हट जाओ। तब तक मेजर चांदपुरी किसी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पकड़ लिए थे, कहे बताओ तुम्हारा इरादा क्या था, तो बताया कि रात में ये लोग जोधपुर तक घुस जाएंगे, जोधपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट तबाह कर देंगे, क्योंकि रात भर ये लोग टैंक लेके चले जाएंगे और इस एरिया को कब्जा कर लेंगे। अब बाद में अगर भारत बांग्लादेश कब्जा करता है तो इस एरिया के नेगोशिएशन पे वो छोड़वाएंगे। चांदपुरी कहें कि हमारा पीछे हटना ना, पीछे ना हटेंगे हम। तो उस ऊपर हाई कमान से आदेश आ रहा, तुम लोग 120 और सामने हजारों है, तो कोई बात नहीं, 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम बता। तो 1.25 लाख सिख लोग दे वहां पे, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। अब उनको क्या किया गया, इन टैंकों को रोकने के लिए तो हमारे पास 4-5 ना एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस बहुत बड़े होते हैं, जिसपे हजार बहुत टन वजन पड़ेगा ना, 400-500 kg का वजन पड़ेगा तब फटेगा, आदमी के दबने से नहीं फटेगा, वहां पे हाथी उथी चढ़ाइएगा तब फंसेगा। तो उन टैंकों, उस एंटी टैंक माइंस को हम लोगों ने आगे बिछा दिया, और दुए चार को था, लेकिन उसके पिछवा ना खाना खाने वाला टिफिन गाड़ दिए लोग, खाना खाने वाला टिफिन, अब बालू में ढक दिए, थार मरुस्थल है यहाँ पे। पाकिस्तानी टैंक आई, धाम से उड़ गया, कहा है ये 26 ने तो टैंक लगा देखा है, तौबा तौबा, 26 मार दिया सब हमको। फिर आगे बढ़े सब, एक और उड़ दिया गया, लाहौल वाला मार दिया यहाँ पाकिस्तान वाला, आगे बढ़ा, कूदे क्या कूदा, मदद, अब मतलब पूरा बर्बाद हो गया सब पाकिस्तान वाला। कहा इनको देखो ये क्या कर रहा है सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि भाई ये भारत वाले खतरनाक हो गया सब, ये जुल्म कर रहा है सब ये भारत वाला, इन 26 को बताना पड़ेगा, हम लोग को 26 बोलता है, अजब बदमाश। उनको कहा कि लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को बुलाओ। इंजीनियरों को बुलाया, कहा जितना टैंक है उसको निकालो। इन ससुरों को टिफिन निकाल रहा था, टिफिन डर भी जरूरी है। 1.25 लाख जब आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाओगे, बावजूद वो डट गए थे, जबकि एक भी टैंक नहीं था इनके पास, और उस रात भर टिफिन उड़ाने में लगा दिया, रात भर लगा दिया टिफिन। जब भोर हुआ ना भोर, तब पता चला ससुरा ही तो टिफिन है रे, मारो इनको। अब मारना चालू किए, तब मेजर चांदपुरी एयरफोर्स को आदेश दे दिए, जोधपुर को, जोधपुर एयरफोर्स को, कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस कर रहा है कि अभी भी यहां पर क्या हुआ है उतनी विजुअलिटी नहीं है, हम उड़ेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, हमें 1 घंटा और चाहिए। तो 1 घंटा कोई बात नहीं, इनका ससुर इनको 2 घंटा रोक के रखते हम लोग। मेजर चांदपुरी ने अपने पूरी फौज को बिछा दिया ज्यादा दूर तक में, और ये लोग एक बार में बोलते थे, मतलब वाहेगुरु की जय, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अब इतना ज्यादा बोलते थे ना, पाकिस्तानी डर गया, 120 नहीं है सब, इतना तेज आदमी बोलता है। अब जो बोले सो निहाल, अब मार धर 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 गोली चलाना चालू हुआ, आमने सामने की भिड़ंत हो गई, पाकिस्तानी सब मरने लगा सब, हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए सब, लेकिन 120 और सामने 6000 पाकिस्तानी की फौज, और टैंक था आगे वहां पर, बम से उड़ाना चालू हुआ टैंक को। एक समय आया जब पूरा दिन हो गया, तो दिख गए सब कि तो भारतीय बहुत कम है, पाकिस्तानी टैंकों के पीछे छुप गए सब। अब टैंक पे बम मारिएगा तो इसे झाड़ देता है, कहते बम मारता हमको, उसके लिए HEMT आते हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, उसको असर नहीं, तो टैंक के पीछे
चुप गए सब। अब टैंक आगे बढ़ने लगे, अभी लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, तब तक ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स। अब ये लोग टैंक के पीछे छुपे थे, लाइन से टैंक लगा के एयरफोर्स आई, लाइने से उड़ा दिया है, दर 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 दर, पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए। ये पाकिस्तानी सब टैंक छोड़ के भाग गए सर। आज भी वो टैंक भारत में है, वो वार मेमोरियल में रखा हुआ, छोड़ के भाग गया सर। और उनका वायरल हो गया था रेडियो, रेडियो पे उन्होंने बोला था कि जल्दी से री इन्फोर्समेंट भेजो, ये पाकिस्तानी मधुमक्खी की तरह हमें घेर लिए हैं सब। अब भाग गए सब यहां से। अब इधर भयानक बवाल हुआ, जोधपुर एयरबेस बच गया। हम लोगों के ऊपर से इंदिरा गांधी जो थी, मानेकशॉ ने आदेश दिया कि पश्चिमी फ्रंट पे कोई लड़ाई नहीं होगी, केवल डिफेंसिव रहना है, बस उसको बचा के रखना है, इधर धोना चालू होगा। और इधर से मार धड़ाधड़ मार धड़ाधड़, मुक्ति वाहिनी इधर से थी और इंडियन आर्मी खुल के उतर गई, कह के मुक्ति वाहिनी आगे बढ़ो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब मार धड़धड़ा दी यहां पर पूरी तरह से इंडियन आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स पूरा तबाह कर दिया, और नीचे से नेवी मार के गर्दा उड़ा दिया यहां पर। इनकी आर्मी सब परेशान हो गया, यार इसे कहीं मारा जाता है, ऐसे थोड़ी मारा जाता, पूरा तबाही हो गया। और सबसे ज्यादा तबाही मचाया था हमारा INS विक्रांत।